खबर देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ग्लोबल एडवर्टाइजर फॉर इनोवेटिव आउटडोर सॉल्यूशन। ग्लोबल एज अ कंपनी, इट हैज नेवर कॉम्प्रोमाइज्ड ऑन इट्स सर्विस क्वालिटी एंड कमिटमेंट। MMT Expo 2020 के पहले संस्करण में विश्व स्तरीय विनिर्माण अभ्यासों का प्रदर्शन। 11 मार्च 2020 नेस्को एग्जीबिशन की मेजबानी में मशीन टूल्स मैन्युफैक्चरिंग एंड टेक्नोलॉजी MMT Expo 2020 नामक 4 दिवसीय विशाल प्रदर्शनी का शुभारंभ आज बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर मुंबई में हुआ, जो 11 से 14 मार्च तक चलेगा। इस एक्सपो का उद्घाटन RR ग्लोबल के प्रबंधक निदेशक व ग्रुप प्रेसिडेंट गोपाल काबरा ने किया, जो मशीन टूल्स मैन्युफैक्चरिंग एंड टेक्नोलॉजी एक्सपो 2020 के सम्मानीय अतिथि थे। और उद्योग जगत की भारी भीड़ के बीच उनका साथ अन्य दिग्गज हस्तियों ने भी दिया। इनमें मशीन टूल्स मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन राजकोट के प्रेसिडेंट योगी छनियारा, डोवेल मशीनरी प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक व मशीन टूल्स मैन्युफैक्चर एसोसिएशन राजकोट के सचिव तेजस दुदाकिया, संजय टूल्स एंड एडसू में औद्योगिक उत्पादक के सेल्स व मार्केटिंग निदेशक सुहास बेलारपुरकर, दिव्या मीडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शेखर डोगरी, प्रशांत बहल जनरल मैनेजर व्यवसायिक प्रमुख MMT एक्सप्रो नेस्को में शामिल हुए थे। तो आइए आपको ले चलते हैं इस एग्जीबिशन में, और हम भी देख और जानते हैं इस एग्जीबिशन के बारे में और अधिक। एग्जीबिशन का पहला उद्देश्य तो होता है कि अपने माल का प्रचार करना और अपनी ताकत दिखाना। आज मशीन टूल्स जो है, इंडिया की सारी कंपनियां इसमें काफ़ी कैपेबल हैं और इसलिए सारा एग्जीबिशन किया गया। एक्चुअली मशीन टूल की एग्जीबिशन हमेशा से मुंबई में होते जा रही थी, लेकिन कुछ कारण से मुंबई से बाहर निकली, तो नेस्को ने और MMTA ने प्रयास करके इसको मुंबई में लाने का प्रयास किया है और ये पहला प्रयोग है। इससे काफ़ी, क्योंकि ये मार्केट भी वेस्ट जो है, बॉम्बे गुजरात महाराष्ट्र जो है, इसमें इसका मार्केट भी काफ़ी बड़ा है, सबसे इसका एग्जीबिशन होना बहुत ज़रूरी है। और वैसे भी बॉम्बई भारत की कमर्शियल कैपिटल है, उस हिसाब से सारी की अच्छी अच्छी एग्जीबिशन बॉम्बे में होनी चाहिए ताकि इसका मार्केट बढ़े। और इंटरनेशनल एक्सपोजर के लिए अगर एक्सपोर्ट अगर देखना है तो बॉम्बई सबसे सही जगह, उस हिसाब से ये एग्जीबिशन काफ़ी सही है। जैसे आपने कहा कि अभी कोरोना का असर चाइना पे है, चाइना सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर था, इसका कोई मापदंड नहीं होता है कि तो हम पे कितना लेना है, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि सारी कंपनियाँ जो चाइना पे डिपेंडेंट थी, तो एक उनको भी एक खतरा नज़र आ रहा है कि एक खाली 1.5 महीने में देखें तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल गई है। तो नेचुरली वो सब्स्टिट्यूट वैसे भी ढूंढ रहे थे, कोई ना कोई कारण से एक दुनिया में है कि चाइना से काम कम करना और बाकी लोगों से काम करना कम, तो ओपनली बोल रहा है उन्होंने, ट्रेड बैरियर भी किए और बाकी यूरोप में भी सारा वेस्टर्न वर्ल्ड और सारा, और वास्तव में किसी एक की शक्ति ज़्यादा पावरफुल होना वैसे भी दुनिया के लिए खतरा है। तो ये सही मौका है कि यानी कोरोना वायरस के कारण से लोग चाइना से हटेंगे, लेकिन अब ये डिपेंड करता है कि भारतीय मैन्युफैक्चर लोग सरकार से बहुत उम्मीद करेंगे, तो 70 साल की आज़ादी के बाद सरकार से उम्मीद कम करके खुद के ऊपर बलबूते पे कैसे आगे बढ़ सकते, इसमें सोचना चाहिए। क्या एक निर्देश देना चाहेंगे इंडियन मैन्युफैक्चरर्स जो हैं उनको कि इस मौके का फ़ायदा उठाएं और मार्केट में स्टेब्लिश? इंडियन मैन्युफैक्चरर सबसे पहला संदेश ये है कि फोकस क्वालिटी पे करें, प्राइस वार में नहीं जाए। वैसे भी सरकार की भी नई नीति के हिसाब से जो एल्बम पॉलिसी से सरकार भी बाहर निकलना चाहती है, कंपटीशन होनी चाहिए क्वालिटी की, कंपटीशन होनी नहीं चाहिए प्राइस की। सी आज चाइना का भी नाम क्यों खराब हुआ, चाइना में अच्छा माल भी बनता है, ऐसी बात नहीं बनती, पर चाइना ने जो ग्राहक ने भाव बोला एक्सेप्ट किया, फिर क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ किया। तो मैं सभी भारतीय मैन्युफैक्चरर को बोलूँगा, बी कॉन्फिडेंट, आप पहले ही ट्रिप में या पहली एग्जीबिशन में जो ऑर्डर का प्रयास करते हो, शॉर्ट टर्म विजन है आपकी कंपनी। अगर 5 साल तक हमारी सारी कंपनी, हमारे 19 बिजनेस है, हमने 10 करोड़ से लेके 1999 से अभी हमारा लास्ट ईयर 6,500 करोड़ डन हुआ, लेकिन हर कंपनी हमारी 4वें साल 5वें साल प्रॉफिट में है। तो अगर आपके पास अगर लॉन्ग टर्म विजन नहीं होता, जैसे जापानीज कंपनियाँ होती है,
अपना विजन ही करती है, 10 साल बाद प्रॉफिट ऑफ किसी देश में आया, तो हमारा विजन जो शॉर्ट टर्म है जो इंडियन मेंटेलिटी वो एक गलत है, उसको एक उसको लॉन्ग टर्म पे ले जाएंगे तो मेरे को लगता है कि भारत का भविष्य और भारतीय सारी कंपनियों का सारे ट्रेड में, ऐसा नहीं किसी ट्रेड में, क्योंकि आज भारत की गुणवत्ता का नाम सॉफ्टवेयर कंपनी के कारण से और बाकी सेक्टर के कारण से, आज ऑटोमोबाइल सेक्टर के कारण से आज काफ़ी दुनिया में नाम हुआ हुआ है। आज ज्वेलरी में देखें तो भारत टॉप में है, गारमेंट में समझो पीछे चला गया, लेकिन बहुत सारे बिजनेस कारण से आज भारत का नाम है और भारत आज फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गया। तो हमको जो मार्केटिंग में भी सोचना चाहिए, वेयर वी मार्केट अवर कंपनी, वी शुड पार्ट दैट वेयर फ्रॉम इंडिया द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। Nesco Limited, I would only say this, that we believe in things and we want things to happen. We would like to see to it things happen in a proper way, and I believe so. When everybody comes together with the thought processes and the support, anything is possible in this world. And today, Nesco Exhibitions, Nesco Limited, our chair, Executive Chairman, Shri Suman Patel ji, he believed in a lot of things, and today you see where Nesco is one of the business tycoon. It is so huge, so big, and this is a total support and the vision of the leadership, Sri Suman Patel ji. You know, he has had that this is what we need to do, and it's done. It's not done till it, you know, it's done and dusted. It's not done unless until it's done. So it's done. So let's start off on a good note, and for the years to come, and a lot of things will be progressing. As Sir Sri Gopal Kabra ji said, that we have an opportunity, let's encash on it. And pray for the well-being of the entire human race and all the living beings. And swasth rahiye, mast rahiye. Say, Machine Tools Manufacturer Association ka president, main Yogin Chiniara. आज हम जॉइंटली ऑर्गेनाइज़र हैं ये MMT एक्सपो के, और हमारे राजकोट से और सौराष्ट्र रीजन से भी हमारे सब मेंबर्स ने इधर पार्टिसिपेट किया है, और ये जो MMT एक्सपो आज महाराष्ट्र में जो चालू हुआ है, इसलिए इधर की मार्केट सौराष्ट्र को भी एक्सप्लोर करने को मिलेगी। ये सब एग्जीबिशंस साउथ में होते थे, नॉर्थ में होते थे, वेस्टर्न में होते थे, लेकिन ये ईस्टर्न और ये बीच वाला महाराष्ट्र रीजन रह जाता था। तो आज MMT एक्सपो ने जो ये Nesco लिमिटेड ने ये जो शुरुआत की है, वो एक आज शुरुआत है, लेकिन ये बहुत बड़ा एक्सपो होने जा रहा है अगले दिनों में। और हम MTA में राजकोट जॉइंटली ऑर्गेनाइज़र है, और साथ में मिलके ये शो को बड़ा करेंगे।